10 मिनट में 50 खबरें। कैलिफोर्निया के सैन होजे में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। संयुक्त राष्ट्र जल्द तय करे आतंक की परिभाषा। 70 साल में संयुक्त राष्ट्र तय नहीं कर पाया परिभाषा। आतंकवादी और मानवतावादी की पहचान जरूरी। भाषण के द्वारा विकास के लिए नए विजन का भी पीएम मोदी ने किया जिक्र। जैम का मतलब जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल गवर्नेंस। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम ने इशारों में किया हमला। नेताओं के बेटे दामादों ने हजारों करोड़ कमाए, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं। भाषण सुनने साप सेंटर में जुटे हजारों लोग। प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। मोदी मोदी के लगे नारे। प्रधानमंत्री ने सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली की सीधी फ्लाइट का दिया तोहफा। अमेरिका के एस्पेन में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं। गांधी की तस्वीर जारी। मिलिंद देवड़ा भी हैं साथ। सैन होजे से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से करेंगे मुलाकात। ओबामा के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। एक साल के अंदर ओबामा के साथ तीसरी मुलाकात। न्यूयॉर्क में पीएम यूएन पीस कीपिंग की बैठक में लेंगे हिस्सा। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। आज न्यूयॉर्क में मोदी का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से भी मिलने का कार्यक्रम। मेक्सिको फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। कल खत्म हो रहा है प्रधानमंत्री का दौरा। मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:15 स्वदेश लौट आएंगे मोदी। पीएम मोदी ने गूगल मुख्यालय का किया दौरा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने किया जोरदार स्वागत। कैलिफोर्निया में फेसबुक हेडक्वार्टर्स में अपनी मां का जिक्र करते हुए रो पड़े पीएम मोदी। आंखों में भरा आया आंसू। कहा 90 साल की उम्र में भी मेरी मां अपने सारे काम खुद करती हैं। मुंबई में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी FMC का सेबी के साथ मिला। वित्त मंत्री भी थे मौजूद। दो अक्टूबर को झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री करेंगे मुद्रा योजना की शुरुआत। तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री रघुवर दास। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में डाली याचिका। CBI की तरफ से दर्ज FIR की मांगी कॉपी। जम्मू कश्मीर में 77 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल। 24 सितंबर की आधी रात से रोक दी गई थी सेवा। बकरीद के दौरान एक दूसरे को बधाई देना हुआ मुश्किल। तमिलनाडु के सलेम में दो कुत्तों के साथ काउंसलर की बैठक में पहुंचे पार्षद। इलाके में आवारा कुत्तों की समस्या की तरफ दिलाना चाहते थे ध्यान। आज दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं सोमनाथ। सोमनाथ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा केजरीवाल को करनी चाहिए पुलिस की मदद। सोमनाथ के बारे में पुलिस को जानकारी दें। हुलिया बदलकर ठिकाने बदल रहे हैं सोमनाथ। पुलिस ने तैयार किया कई स्केच। पुलिस को शक हुलिया बदलकर आगरा के किसी गांव में छिपे हैं सोमनाथ। आज कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 10 और फाइलें होंगी सार्वजनिक। दोपहर में ममता बनर्जी करेंगी सार्वजनिक। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को किया था सार्वजनिक। परिवार की जासूसी कराने की बात भी आई थी सामने।
झांसी में पंचायत चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के दफ्तर में बवाल, कार्यकर्ता पदाधिकारी के बीच लात-घूस। बैठक के दौरान जमकर हुआ हंगामा, कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। राघोपुर रैली में लालू ने खेला जाति गार्ड, कहा बिहार में लड़ाई अगलों और पिछलों के बीच। ग्वालियर में कार्यक्रम के दौरान मंच पर झपकियां लेती दिखी महिला और बाल विकास मंत्री माया सिंह, झपकी लगाते देखकर हर कोई हैरान। हमारे यहाँ के पदाधिकारी कनाडा जाते रहते हैं, इस तरह से पंजाब कांग्रेस में बाजवा और अमरिंदर सिंह के बीच झगड़े पर आज शकील अहमद पटियाला कमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार अमरिंदर सिंह नाराज है हाईकमान। अस्थायी शिक्षकों को लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का आपत्तिजनक बयान, कहा पहले 500 रुपए में चना फुटाने खाकर गुजारा करते थे, आज 15,000 मिल रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में दो पड़ोसियों के बीच विवाद में फायरिंग, एक शख्स जख्मी हुआ, उसे आगरा रेफर किया गया। राजस्थान के धौलपुर में चेकिंग के दौरान आरएसी के जवान और पुलिसकर्मियों में मारपीट, चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। मुंबई के दहिसर में गणपति पंडाल में डीजे पर डांस को लेकर विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजधानी ट्रेन में पिता के साथ जा रहे युवती के साथ फौजी ने की छेड़खानी, आरोपी फौजी को मुगलसराय में पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में गैंगरेप की शिकार महिला ने किया आत्महत्या, आरोपियों की अभी तक नहीं हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जहरीली शराब पीने से 7 की मौत, 50 से ज्यादा अस्पताल में। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में पहले भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 3 जगहों पर छापे में 392 पेटियां जब्त। नोएडा के सेक्टर 34 में महिला मैनेजर की हत्या के मामले में पुराने ड्राइवर की गिरफ्तारी, पुलिस के अनुसार 5,200 रुपए की वजह से कर दी हत्या। यूपी के मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टर्स के कारण 2 नवजात की मौत, गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्से में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मुंबई में गणपति पंडाल में पुलिस ने एक महिला की पिटाई की, मोबाइल में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस का आरोप महिला लाइन तोड़ने की कर रही थी कोशिश। पुणे में किताब के स्टोर में आग, सौरभ हॉल की दूसरी मंजिल पर स्टोर 8 घंटे तक काबू पाने में सफलता नहीं। यूपी में फतेहपुर में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, जिला अस्पताल में एम्बुलेंस में तैनात ड्राइवर मरीजों को लगाते हैं इंजेक्शन। कानपुर अदालत में समलैंगिक लड़कियों ने दर्ज कराया बयान, घरवालों के खिलाफ हाईकोर्ट में की थी दोनों ने अपील। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही ने किसान और पत्नी की ली जान, खेत में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर मौत।
दिल्ली से सटे गुड़गांव में मनचलों की शामत, ऑपरेशन रोमियो के तहत 3 घंटे में 66 मनचलों को पुलिस ने पकड़ा। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, रुपए की कीमत में 14 पैसे की मजबूती। आज जिसरो के लिए ऐतिहासिक दिन, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया पहला एस्ट्रोसेट उपग्रह PSLV C-30। PSLV C-30 अपने साथ एस्ट्रोसेट के अलावा दूसरे देशों के 6 छोटे उपग्रह भी लेकर गया। अमेरिका के 4, इंडोनेशिया, कनाडा के 1-1 शामिल। अंतरिक्ष में लगेगी दूरबीन। चंद्र ग्रहण के बाद गंगा तट पर जुटे श्रद्धालु, ग्रहण के बाद गंगा स्नान की है परंपरा।